कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भगवान गौतम बुद्ध ने आजीवन किसी अछूत संघ की सभा को संबोधित नहीं किया था और ना ही वे अछूतों के आमंत्रण पर कभी उनके आवास पर भोजन करने गए। लेकिन इस विषय पर आधुनिक इतिहासकारों का मत अलग है। उनका मानना है कि प्राचीन जम्बूद्वीप में सामाजिक ढांचा वंश परंपराओं से निर्मित था, अर्थात उस काल में वंश परंपराएं थी पर जातियों और वर्णों का अस्तित्व नहीं था। व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी जीविकोपार्जन के लिए कार्यों का चयन कर सकता था। प्रत्येक कार्य को समाज में सम्मान की नजर से देखा जाता था। एक ही घर में यदि पिता अध्यापक होता था तो उसका बड़ा पुत्र सेना में सेवाएं दे रहा होता था, जबकि उसका छोटा पुत्र खेती संभाल रहा होता था और घर की मुखिया की पत्नी पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती थी और सबकी सेवा किया करती थी। बावजूद इसके समाज में एक वर्ग ऐसा भी था जिसके कार्यों को हेय दृष्टि से देखा जाता था, जिसे सामान्यतः लोग चांडाल के नाम से जानते थे। इनका काम मरे हुए जानवरों को उठाना और शमशान घाट की देखभाल करना होता था। महात्मा बुद्ध ने ऐसे तमाम लोगों को धम्म में दीक्षित किया था जिन्हें समाज हेय दृष्टि से देखता था। बुद्ध के कपिलवस्तु पुनः आगमन के पश्चात शाक्य कुल पुत्र अपने साथ उपाली नाई को तथागत के सामने लेकर पहुंचे। उन्होंने तथागत से निवेदन किया, भगवान, हम शाक्य लोग बड़े अभिमानी स्वभाव के हैं और यह उपाली नाई चिरकाल से हमारी और हमारे परिवार की सेवा करता चला आ रहा है। भगवान, पहले इसे ही प्रव्रजित उपसंपन्न करें ताकि हम इसे अपने से बड़ा मान इसका अभिवादन करें, इसे हाथ फैलाकर नमस्कार करें और इस प्रकार हम शाक्यों के अभिमान में कुछ कमी आए। तब तथागत ने पहले तो नाई उपाली को ही प्रव्रजित उपसंपन्न किया, इसके बाद उन दूसरे शाक्य कुल पुत्रों को भिक्षु संघ में दीक्षित किया। वहीं राजगृह में एक सुणीत नाम का कर्मकार रहता था। लोगों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था, यह उसका परंपरागत पेशा भी था। एक दिन बुद्ध भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए निकले। सुणीत बुद्ध को आता देखकर मार्ग से दूर जाकर खड़ा हो गया। इस पर बुद्ध ने सुणीत से कहा, क्या तुम अपने इस दरिद्रता के जीवन के साधन को त्याग कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? तब सुणीत प्रसन्न होकर बोला, जिस संघ में भगवान बुद्ध हैं, उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता? कृपया आप मुझे संघ में प्रविष्ट कर लें। तब बुद्ध ने कहा, धम्म, विनय, शील, संयम और इच्छा दमन की शिक्षा प्राप्त कर कोई भी प्राणी बोधत्व को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद बुद्ध ने श्रावस्ती के दो चांडाल भाइयों सोपाक तथा सुप्पीय को धम्म में दीक्षित किया। वहीं सुमंगल श्रावस्ती का एक श्रमिक किसान था। वह दूसरों के खेतों में काम करके अपनी जीविका चलाता था। बुद्ध ने उसे अपने सारथी छन्न के साथ धम्म में दीक्षित किया था। छन्न कपिल वस्तु के अधिवासी थे और शुद्धोदन के राजमहल में एक दास के रूप में सेवा दे रहे थे। वहीं बुद्ध के शिष्य धनीय राजगृह के कुम्हार थे, जबकि कपतकुर श्रावस्ती के निवासी थे। पहले वे बढ़ईगिरी का काम करते थे और अस्तबल में घास बेचा करते थे, पर बाद में बदन पर चीथड़े, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगते फिरना उसका पेशा बन गया था, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया था चीथड़े चावल। बुद्ध ने इन्हें भी संघ में शामिल किया। एक दिन बुद्ध राजगृह के वेलुवन में बैठकर गिलहरियों को दाना चुगा रहे थे, तभी एक कोढ़ी व्यक्ति सुप्रबुद्ध उनके समीप आया, जिसने बुद्ध से उसे धर्मावबोध कराने का आग्रह किया। तब तथागत ने उसे धर्मोपदेश दिया, दुख, दुख का समुदय, दुख का निरोध तथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग। इस पर संप्रबुद्ध ने स्वेच्छा से प्रसन्न होकर धम्म और संघ की शरण ग्रहण कर ली। कुछ दिन बाद दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हो गई,
एक जवान बछड़े ने रास्ते में उस कोड़ी सुप्रबुद्ध को सींग भोंक कर जान से मार डाला। इस तरह भगवान बुद्ध ने ऐसे तमाम लोगों को अपने धम्म और संघ में दीक्षित किया था जो दुख और दरिद्रता के जीवन को भोग रहे थे। बुद्ध की करुणा, दया और परोपकार ने न जाने कितने लोगों को धम्म की ओर आकृष्ट किया, और जिन्होंने हर प्रकार की ऊंच नीच को त्याग कर बुद्ध की करुणा को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। आमतौर पर देखा जाए तो बौद्ध धम्म को सबसे ज्यादा क्षत्रिय वर्ग और राजा महाराजाओं ने ही अपनाया और परिश्रय दिया था, लेकिन इस धम्म और संघ के दरवाजे हर वंश वर्ग के व्यक्तियों के लिए हमेशा से ही खुले रहे हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।